Lo dici? छोटी सी एक जानकारी मैंने आपको दी थी कि जितने भी स्वर है वॉवेल्स AEIOU इसके हिसाब से हम लोग शब्दों का परिवार एक बनता है जिसे हम बोलते हैं वर्ड फैमिली। इस वर्ड फैमिली में पिछली बार हम लोग पहुंचे थे जहां तक मुझे याद है EN या ईची कहां तक पहुंचे थे मैं बताएगा। EN में हम लोगों ने शब्द देखे थे, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ चाहे तो, जैसे BEN, GEN, HEN, HEN, PEN, PEN। देखिए ये शब्दों की फैमिली में इसीलिए आपको बता रहा हूँ, पिछले मेरे जो एक डिस्कशन था मतलब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था विजुअल लर्नर्स, जैसे बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो जब हम ये शब्द बच्चों को बताएंगे जैसे EN हुआ तो PEN पेन, हाँ, तो बच्चा अपने आप ये शब्दों का उच्चारण करना शुरू करता है। सबसे पहले जो चीज आती है बच्चों के इसमें, अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान से देखते हैं। हेलो, हाँ, अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखते हैं, आपने अगर छोटे बच्चों का अगर निरीक्षण किया हो तो बच्चा सबसे पहले वही चीज करता है जो चीज को देखता है। अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस चीज को आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये चीज कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़े समय के बाद बताता हूँ। अब शब्दों का जो प्रयोग है वर्ड फैमिली उसमें हम चलते हैं ईची, बीईची बैट, एलईची लेट, जीईची गेट। जब ये शब्द आप बच्चों को देंगे जैसे ईची का प्रयोग हुआ, EN का प्रयोग हुआ, ईजी का प्रयोग हुआ, ये सब जैसे हम बच्चों के सामने रखते जाते हैं साथ साथ में जब इसका उच्चारण कैसे करना है, ये उच्चारण जब बच्चा लिखते जाता है तब अपने आप उसको इस चीजों में रुचि आती है कि हाँ मुझे बोलने आ रहा है। देखिए कई बार हम चीजों को ध्यान से देखते हैं या समझ नहीं पाते हैं। पेंसिल या बिस्किट ये सब कितना मुश्किल है उच्चारण करना, इसको हम जोराक्षर बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो काफी मुश्किल शब्द उच्चारण करना पेंसिल बिस्किट। लेकिन बच्चा उस चीज का आराम से उच्चारण कर सकता है, क्यों कर सकता है क्योंकि तो उसने वो शब्द पहले से सुना हुआ है, नहीं उसने वो चीज देखी हुई है तो उसे बिस्किट कहते हैं। ये चीज आप समझिए। आप इसके अलावा पर तीसरा शब्द उसको बताइए जो उसका उच्चारण मुझे करके दिखा दे। से फॉर एग्जाम्पल वैम्पायर, वैम्पायर बच्चा नहीं बोल पाएगा क्योंकि तो उसने वो वैम्पायर नाम की चीज होती क्या है ये देखी ही नहीं आज तक। स्प्रे, स्प्रे ये चीज उसने देखी नहीं, स्प्रे हम पीछे बोलते हैं, ये शब्द बच्चा इतने आसानी से उच्चारण नहीं कर पाएगा जितने आसानी से वो बिस्किट का उच्चारण कर सकता है या पेंसिल का उच्चारण कर सकता है। ये चीज को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद वाली वर्ड फैमिली आती है आईजी। आईजी ये फैमिली थोड़ी सी अच्छी है, आसान है, जैसे होते हैं BIG बिज, LIG लिड, CIG GIG डू का पास्ट टेंस, डू डिड डन,
सब जिस किज के आईजी जो हम किंडरगार्टन में यूज होता है, आईजी परिवार के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये सब वो बच्चों को समझाने में आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। आप ये चीज को छांची से ध्यान से समझिए, क्यों समझिए इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। जितनी जल्दबाजी हम करेंगे, जितनी हम हड़बड़ी करेंगे, उतना ही बच्चा ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन में जाएगा, और ये कंफ्यूजन मैं नहीं चाहता कि बच्चे के मन में तैयार। बच्चे का जो विजुअल लर्निंग का जो पावर है, जो उसके सेंस जो देख सीखता है, ये चीज बच्चों में हमेशा बनी रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद की फैमिली आती है आई जी। आई जी ये फैमिली है बिग, बी आई जी सब बन गया, जी आई जी जिग, पी आई जी पिग, एफ आई जी फिग, ये आई जी फैमिली है। आई जी के बाद वाली जो फैमिली है वो है आई एन, इन। अब इन ये शब्द है, लेकिन इन ये शब्द का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, हम तो बच्चों को सबल फैमिली समझा रहे हैं। इसी तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा बी आई एन बिन, पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, के आई एन किन। इसमें आप चार शब्दों का भी, सॉरी चार अक्षरों का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो अभी आप नहीं करेंगे, बाद में चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे स्किन हुआ, चीन हुआ, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम हड़बड़ी नहीं करते हैं। इसके बाद का जो फैमिली है वो है आई पी। आई पी ये एक अलग से शब्द है, आप इसको लिख के जाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके रिकॉर्ड में भी रहे। आई पी जी आई पी डिप, डिबो के खामा, एस आई पी सिप, पी आई पी पिप, जेड आई पी झिप, जे आई पी जिप। अभी ये जो शब्द हो गए, ये शब्द क्यों बच्चों को हमें देने हैं, देखिए हमें इसका मतलब मीनिंग बच्चों को मीनिंग नहीं समझाना है। सबसे पहली तैयारी उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन आप पैदा नहीं करोगे कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। बच्चों का शब्द संग्रह तो बच्चे वोकैबुलरी ये जितनी बढ़ती जाती है उतना बच्चा अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने की कोशिश करते जाता है। और मैं चाहता हूं कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, बनता रहे। इसके बाद वाला फैमिली आती है आई टी, इट। आई टी के दो चार शब्द अगर अब में से कोई मुझे बता पाया तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। कौन बताएगा जरा बताइए आप। आईटी से बिट, यस टिट, हाँ एस आई टी, हाँ पी आई टी पिट, एफ आई टी फिट, बी आई टी बिट। ये इसलिए होता है, देखिए सर हम जब इस शब्द को जोड़ना शुरू करते हैं, आपको क्या करना है, आपको जो मैं फैमिली के दो अक्षर बता रहा हूं, ये दो अक्षर आपको बोर्ड पर लिख के रखना है, ठीक है।
अब आईसी आपने लिखा, अब बच्चों को आप बताएंगे आईसी के आगे का शब्द आप जो जी है, ठीक है बच्चा लिखो तेरा सर में क्या लगाऊं क्या लगाऊं, मैं बी लगाता हूँ ब, हाँ तो बी आई जी तो ब और आई हुआ तो बी हुआ, हाँ तो बिट हो गया, ठीक है जब मैं उसे समझाता हूँ फिर लगाएगा सर अगर मैं के लगाता हूँ तो के का क्या होगा, के का किट होगा, अच्छा कोई अच्छी बात। अब हमें पता है किट नाम का कोई शब्द इंग्लिश में है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है उसे तो हमें खोजना है, उसकी जो बोलने की कैपेसिटी है उसका जोड़ने का जो दिमाग है हमें ये चीज को इम्प्रोवाइज करना है, हमें इस चीज का उपयोग लाना है। अब उसके बाद आपका ये तो यहाँ पे आपकी आय की फैमिली खत्म हो गई, अब चलते हैं अगली फैमिली ओ, शब्द हो गया ओ बी। अब ओ बी में ज्यादा शब्द है नहीं, जैसे बी ओ बी बॉब, जे ओ बी जॉब, एम ओ बी मॉब, एस ओ बी सोब, आर ओ बी रॉब, ये जो शब्द हो गए। अब ये जब हम उसको इसमें जोड़ते जाते हैं एस ओ बी सी ओ बी बी ओ बी एम ओ बी तो मॉब, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर आपने चीज को नोटिस किया होगा या पिछले हफ्ते भर में जो शब्द हम लोगों ने डिस्कस किए ए बी ए जी ए जी ए एम आई एन ए पी बी आर ए टी ई जी ई एन, ये सारे शब्दों को अगर आपने खुद भी जोड़ के देखा होगा तो आप इस चीज को आसान से समझ सकते हो तो हम नए नए शब्द बनाना आसानी से सीख सकते हैं। देखिए शब्द कितना बड़ा है कैसा है ये सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहले शब्द बनना बहुत जरूरी है, शब्द बनाने आना बेहद जरूरी है। ये मैं आपको पहले बात अगर आप मेरी चीजों को अब जो किया होगा तो मैं आपको बताया, जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सामने वाला जो बोल रहा है उसे हम हमारी मातृभाषा में अपने दिमाग में समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें बोलना है उसे भी पहले हम हमारे दिमाग में अपने मातृभाषा में वाक्य तैयार करते हैं और उसके बाद हम उस शब्द को बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसलेट करने की जो प्रक्रिया है ये जितनी जल्दी हो जाएगी उसके लिए ये वर्ड फैमिली आपको सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि आप इस शब्द को जोड़ना अपने आप सीखते जाते हो। जैसे अगर मैं ओ भी लिख दिया उसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा, अगर मैं वाई लिखता हूँ तो बच्चा तुम बोलेगा सर ये यो है तो योग हो गया, हाँ अगर मैं जे लिखा ये जो है तो जो जॉब हो गया सर, हाँ राइट राइट, मैं इसके आगे का पी लिखता हूँ तो पी प है सर ये प है तो पॉप हो गया, हाँ बराबर बराबर राइट राइट। तो ये सोचने की प्रक्रिया हमें उसकी बचानी है। इसके आगे की फैमिली आ गई आपकी ओ जी, ओ जी इसका पहला शब्द है डॉग जी ओ जी, एफ ओ जी एल ओ जी लॉग, ये शब्द आए, इसमें भी बड़े शब्द आप ले सकते हैं एफ आर ओ जी फ्रॉग है, एस एम ओ जी स्मॉग है, ये सब आ सकते हैं लेकिन इसको अभी हमें नहीं लेना है। इसके बाद का जो परिवार आया वो आएगा ओ पी। अगर अभी आप सोचेंगे सर आप ओ जी के बाद सीधा ओ पी में क्यों गए, उसके बीच में कोई शब्द नहीं आएगी क्या, उसके बीच में इतने पर्याप्त मात्रा में शब्द
नहीं है, शब्द है लेकिन अभी हमें उस पोजीशन पे जंपिंग नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर इस चीज को। अगला शब्द आएगा आपका ओपी, ओपी इज जीओपी डॉप एमओपी मॉप एच ओ पी हॉप पी ओ पी पॉप जी ओ पी टॉप, ये यहां पे आ गए। इसके बाद का जो परिवार आएगा वो आएगा ओ टी, ओ टी ये जो फैमिली है सी ओ टी कॉच जी ओ टी डॉट एच ओ टी हॉट पी ओ टी पॉट, ये यहां तक के शब्द हुए। इसमें आगे की भी आप ले सकते हो, ब्लॉट है प्लॉट है नॉट है के एन ओ टी एस पी ओ टी स्पॉट है, ये भी आते हैं कितने बाद में आएंगे। अब यहाँ पे ओ की फैमिली खत्म हो जाती है, अब हम चलते हैं अगले फैमिली में जिसका हेड है यू, तो सबसे पहले आया यू बी, यू बी सी यू बी कब एच यू बी हब टी यू बी तब, आपको ये दो शब्द मुझे हब यू बी के बताएंगे आप में से कोई, प्रयास करें कि तीन अक्षरों में ही हो। यूडी में सर बी यूडी बड, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। अब अगले इसमें चलते हैं हम लोग यू जी, यू जी में आने वाली फैमिली जी फॉर गन, यू जी में आने वाली फैमिली आती है बग बी यू जी डी यू जी डग एच यू जी हग एम यू जी मग, ये आते हैं यू जी। इसके बाद वाला जो आता है काम वो आता है यू एम, यू एम में आने वाली चीजें जी यू एम गम एच यू एम हम एम यू एम मम एस यू एम सम, ये चीज। अगर आप ये वर्ड फैमिली को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं, ये चीज का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जब ये दो अक्षर बच्चा देखता है और ये दो अक्षरों के बारे में जब बच्चा पहचानने की कोशिश करता है तब ये सारे शब्द या इन सारे शब्दों का उच्चारण एक तरीका है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो जैसे टू प्लस टू फोर हुआ, थ्री प्लस थ्री सिक्स हुआ, तो हम थ्री प्लस थ्री कहीं भी लिखोगे तो वो सिक्स ही होगा। सेम तरीका यहाँ पे भी इंप्लाई होता है कि ये जो प्रक्रिया है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जो इसका उच्चारण है वो एक तरीका होने की वजह से बच्चा इस चीज को पहचानने में आसानी अपने आप को महसूस करता है। और हमें इस चीजों में बच्चे को कंफर्ट जोन जिसे हम आसानी चीजों में बताएंगे वहां पे बच्चा हमेशा जाता है। अब यू एम के बाद हम चलते हैं यू एन में, यू एन जैसे बी यू एन बन
एफ यू एन फन, जी यू एन गन, एस यू एन सन, और दो तीन आप मुझे बताइए। चलिए यस बताइए सर, कौन मुझे बताएगा यू एन वाले दो शब्द, कोई भी दो शब्द। चैट बॉक्स में जवाब आया सर, फन रन फन। यस बिल्कुल। अब देखिए सर, अगर मैं इस चीज को बताऊं, हमें इन चीजों को जितने अच्छे तरीके से हम ये बता पाए, क्यों बता पाए, क्योंकि हमें ये चीजें समझ में आ गई कि यस ये ऐसा उच्चारण होता है। अब अगर आपने इसी को ध्यान से दिया होगा तो पन रन पन क्यों, ये सारे शब्द आप इतने आसानी से उच्चारण कर पाए क्योंकि आपको पता है यू एन का उच्चारण ऐसे ही होता है, इसी तरीके से होता है। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट। अब वर्ड फैमिली का सबसे आखिरी पैर जो है वो है यू जी। यू जी के शब्द आप बताएंगे, मैं इसमें यू जी कहूंगा। मैं आपको इसका एक शब्द बताता हूं, बी यू जी, बस आगे आप बताएंगे। यू जी सर, बी यू जी बस। हाँ अब इस शब्द आ गए अपने पास, यू जी वे, बी यू जी बच, पी यू जी पुच, सी यू जी कच, एन यू जी नट, एच यू जी हट। अब ये शब्द जैसे हम बनते जाते हैं या हम बनाते जाते हैं, मैं इसमें एक छोटी सी आपसे ये चाहूंगा कि यहाँ पे वर्ल्ड फैमिली यहाँ पे वर्ल्ड फैमिली ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे इसका आखिरी शब्द था यू जी, बी यू जी बस, पी यू जी पुट, सी यू जी कट, एन यू जी नट, एच यू जी हट, ये आर यू जी रट, ये शब्द थे। ये था यू जी फैमिली का आखिरी बैच। यहाँ पे स्मॉल फैमिली या स्मॉल वर्ड फैमिली ये कॉन्सेप्ट खत्म होती है। अब आप में से अगर किसी को वर्ड फैमिली के बारे में कुछ भी जानना है या पूछना है तो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, आप पूछिए, फिर हम इसके अगले चरण में चलेंगे जो कि लर्निंग स्किल के बारे में है। ये प्योरली में बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये चीज के बारे में। तो आपका 5 मिनट का समय है, अगर किसी को पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज पूछिए। रही बात है वर्ल्ड फैमिली की, तो वर्ल्ड फैमिली की पूरी जानकारी मैं अपनी क्लास खत्म होने के बाद अपने ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप मुझे पूछ सकते हैं। जिन्हें भी कुछ पूछना हो वो माइक अपना ऑन करके सर से सवाल पूछे। वर्ड फैमिली में आपके बहुत सारे सवाल आने चाहिए, कैसे वर्ड फैमिली चली, किस तरह से बच्चों को हमने उसे बताया, क्या चुनौती आ सकती है, कहाँ पे बच्चे तकलीफ महसूस करते हैं, कितनी बार उस बच्चों के साथ इसको रिपीट करना चाहिए। पहले हमने सबसे पहले जब ए बी सी डी का
उच्चारण देखा था, जो उच्चारण था उस उच्चारण को बिना बताए अगर वर्ड फैमिली करेंगे तो क्या हम सफल होंगे, तो बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो जिसके पास भी कोई प्रश्न है पूछें। सर आप मेरे ही प्रश्न का एक उत्तर दे दें, जब तक मुझे लगता है कि लोग अभी सोच रहे हैं कि यदि यदि हमने ABCD का सही उच्चारण बच्चों को नहीं समझाया है तो हम जब वर्ड फैमिली में आएंगे तो जरूर हमें कठिनाई होगी। क्योंकि आखिरकार बच्चा जो जो पिछले दो अक्षर जो हम जोड़ते हैं, मान लीजिए एट ही जोड़ते हैं, तो वो बी से ब ब आवाज निकलती है, ये उसके पास स्पष्ट होगा। हाँ। तो ब और एट, एट तो हाँ। बैट, तो ये परिकल्पना हम उसको एकदम सरल तरीके से, तो इसके लिए हमें होमवर्क जो हमारा पूर्व ज्ञान जो है इस पाठ पे आने से पहले वह उच्चारण का पूर्व ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। सचिन सर लगता है गलती से लेफ्ट हो गए, तो जो बिंदु अभी सामने आ रहा था कि बच्चों को जिस तरह से सर ने ABCDEFGH उसकी जो ध्वनि उसकी जो उसका जो उच्चारण है वो जितना अच्छे से हम स्पष्ट कराएंगे तो उसके साथ हम बाकी इन वर्ड फैमिली के नए नए शब्द बनाने में उनको आसानी से सिखा पाएंगे। जैसे बी से ब, ब अगर उसके पास संकल्पना स्पष्ट है तो वो BED बेड आसानी से बता पाएगा। तो इस तरीके से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और बाकी भी कोई सवाल हो तो थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, आप लोग कोई प्रश्न हो तो सामने लाइए। किन्हीं का कोई कोई प्रश्न? खान सिंह जी आपका कोई प्रश्न? कोई क्योंकि यही वो समय है जहां पे कि बच्चे जोड़ना बनाना सीखते हैं। हाँ अच्छा, ये काजल साहू जी पूछती हैं कि इन प्रश्नों को, इन अक्षरों को लास्ट में ही लिखा जाता है क्या? हाँ सचिन सर आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो। हाँ सर एक मिनट प्लीज जी। हाँ अभी आई, अभी आई। वो काजल साहू पूछती हैं कि इन अक्षरों को अंत में ही लिखा जाता है क्या? तो वर्ड फैमिली जो है वो अंतिम अक्षरों को ही लेकर बनाई गई क्या? हाँ अभी ये वर्ड फैमिली जो है, ये देखिए वर्ड फैमिली काफी बड़ी है। सबसे पहली चीज आप ये बात समझिए, अभी जो हम ये जो छोटी सी फैमिली आपको इससे बता रहा हूँ कि ये सारे शब्द तीन अक्षरों से ही बनने वाले हम लिए हैं। अभी ये इसमें जो ये है ये सारे अंतिम वाले ही अक्षर है अभी के इसमें। इसमें जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको इससे और बड़े वाले भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में आएंगे। जैसे OUGHT आएगा तो कॉस फॉस बॉस ये सब आगे आएंगे, उसमें काफी लंबा समय है अभी के इसमें। लेकिन अभी ये सारे जो है ये अंतिम पंक्ति वाले ही है।
खास तौर पे। आप लोगों ने ये जो वर्ड फैमिली का उपयोग करना या इसे प्रयोग में लाना अगर शुरू किया है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई या किस तरीके की आई, ये कोई मुझे बताएगा इसमें? अब इन चीजों में आप लोगों को दिक्कतें आना स्वाभाविक है और ये दिक्कतें आएगी ही। ये दिक्कतें क्यों आएंगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहोगे कि सर हमने शुरू भी नहीं किया, आप दिक्कतें आएंगी इतने कॉन्फिडेंसली बता रहे हो तो दिक्कतें तो आएंगी हमें, आप दिक्कतें आएंगी, आप दिक्कतें बता रहे हो तो इसका सोल्यूशन भी आप ही बताओ। आप टेंशन ना ले, इसका जो सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, इसको आने वाली दिक्कतें भी आपको बताऊंगा। ये दिक्कतें जो आती हैं, जिसको हम लोग मानसिकता के हिसाब से देखते हैं, कभी आपने ये चीज सोची है? जैसे हर संडे को हम लोग क्लास अपना लेते हैं, देवाशीष सर सबको बोलते हैं आप ज्वाइन कीजिए और आप लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर वही चीज मैं आपको बताऊं जो आपको पहले से पता है, अब वही चीज मैं आप लोगों के सामने रिपीट करूं जो चीज आप पहले से जानते हो, तो क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, बराबर। आपका सिंपल सा जवाब होगा, सर हमें तो पहले से पता है, आप हमें न्याय क्या बता रहे हो? और अगर न्याय नहीं बता रहे हो तो मैं आपका क्लास ज्वाइन करने का मतलब कुछ भी नहीं है, बराबर। यही चीज हम बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? मतलब जब बच्चा स्कूल में आता है, आप लोगों ने अगर इस चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा और समझने की कोशिश की होगी, तो इसको समझने का सबसे आसान मार्केट है बच्चों के खिलौने। कभी ये चीज नोटिस की है? बच्चों के खिलौने का कलर जो है वो टिपिकल वही रंग क्यों यूज किया जाता है? जो चॉकलेट बोलिए हम बच्चे खाते हैं, उसका कलर उसी पर्टिकुलर सिस्टम में क्यों दिया जाता है? कैडबरी चॉकलेट का कलर देखिए आप, रैपर का इक्लेयर्स का रैपर का कलर देखिए आप, ये क्यों उसी चीज में यूज किया जाता है? इसका कारण ये है, बच्चों में एक बेसिक एपिसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग स्किल। बच्चा सीखता है, सीखना चाहता है, लेकिन वो तब सीखना जाता है जब हम उसके लेवल पे, उसके पोजीशन पे जाके जब तक हम उसे नहीं समझाते, वो बच्चा सीखना नहीं चाहता। कितने सारे बच्चों का आप लोगों ने देखा होगा लिखावट बहुत गंजी या बुझी होती है। हम तो एज अ टीचर इतने बच्चों के पेपर हमेशा देखते आए हैं कि क्या लिखा है वही समझ में नहीं आ पाए, पता नहीं क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं और क्या करते हैं, तो दिमाग के बाहर की बात है। सर एक मिनट, एक मिनट में सेशन कट जाएगा तो सभी लोग वापस जुड़ जाएंगे, एक मिनट में सेशन कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल।
आप बोलते रह सकते, एक मिनट है सर अभी अपने पास। हाँ जी, तो बच्चों की जो लिखावट वंजी हो जाती है, खराब हो जाती है, हम ये चीज हमेशा देखते आए हैं। और ये कंप्लेन भी है कि सर बच्चा क्या लिखता है वही हमें समझ में नहीं आता। इसका मूल कारण क्या है कोई बता पाएगा मुझे? इसके ऊपर रिसर्च की गई है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज। ये कहीं ना कहीं ये सर विजुअल लर्निंग से जुड़ा हुआ है और उसके बाद प्रैक्टिस का। नहीं, ये विजुअल लर्निंग से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। जो हमारा हाफ है, इसकी जो पहली तीन उंगलियां है, अंगूठा, बीच वाली उंगली और इन दोनों के बीच वाली उंगली, फोर फिंगर कहा जाता है। हाँ। आप बता रहे थे तीन उंगलियों के बारे में जी, जो फोर फिंगर, मिडल फिंगर और लिखने के काम में आती है। ये तीन उंगलियां बच्चे की सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, हाथ में अगर हम छोटी छोटी चीजें उसे उठाने के लिए देंगे इसे मुझे ग्रिप पकड़ना, ये ग्रिप जितनी मजबूत होती है बच्चे के लिखावट उतनी ज्यादा अच्छी ही जानते। किसी भी चीज को अगर वो उतार नहीं सकता तो वो उस चीज को लिखने में उसके उंगली में इसमें अपनी सिस्टम ये हुई है कि हम बच्चों के हाथों में उतनी ताकत नहीं बना पा रहे। अब चीजें हैं सब एबिलिटी, विजुअल लर्निंग है, बच्चा कॉपी करता है, बच्चा हमेशा वो चीज को देखता है, उसे कॉपी करता है। जो मैंने पहले सेशन में आपको बताया था वो चीज को बताएंगे, बच्चे को एक्शन कॉपी करना आप बताएंगे। एक्शन इसीलिए आती है बोलता हूँ, क्लासरूम में वैसे बिठाए भी जब उसकी एक्शन आती है तब वो एक्शन उस बच्चे को ज्यादा आसान हो जाता है कि वो करना क्या है। इवन सेम किसी भी इसको जब ये एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट आती है, क्यों? क्लैप है, तालियां बजाओ, क्लैप। ये जो एक्शन है ये बच्चा इमिटेशन करना सबसे आसानी से लेता है। मैंने आपको पिछली बार भी सेम चीज बताई थी, मैं लिखावट के बारे में बताया, बच्चों को पहले वॉवेल्स समझाइए, स्वर, ए ई आई ओ जाओगे जो बच्चा उस चीज में करेगा वो भी ऐसे शब्द बने हैं उससे ज्यादा बड़े शब्दों में आप बच्चे के साथ नहीं जाओ। ज्यादा करके एकदम छोटे बच्चे होते हैं
अथमा ही नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है, आज ही क्लास यहां से वहां भाग रही है, आज वहां से यहां आता है। और शिक्षक का सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हाँ जी कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, अब बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, टिकता नहीं है। अब इस चीजों में सब आपको बच्चे में कोऑपरेटिव डेवलप कराना चाहिए। बच्चा आपको कोऑपरेट करना चाहिए, मानसिकता है। बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से मिलता है। कई बार आप लोग अपने परिवार में भी माँ पापा को बताएगी और फिर वो मुझे चीज में ये सिस्टम आज भी कई सारे घरों में हो जाता है। इसमें कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, बच्चा किस चीजों में रिस्पॉन्स करता है और किस चीजों में मर्ज में आनी चाहिए। जो वर्ल्ड फैमिली मैंने आपको बताई, ये आपका फैमिली बच्चे को समझाओगे, आपको पूरी की पूरी वर्ल्ड फैमिली बच्चे के दिमाग में नहीं डालनी है, ना उसको उसे मुझे रिस्पॉन्स करके बताओगे कि सर ये शब्द बच्चे को समझ ये आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप ये ऑब्जर्व करना है कि किन किन शब्दों में बच्चे को दिक्कत आई, कौन से शब्द बच्चा आसानी से बोल पाया, कौन सी चीज मुझे दो बार समझानी पड़ी, कौन सी तीन बार समझानी पड़ी, कौन सी पांच बार समझानी पड़ी और कौन सी समझाने के बाद भी समझ में नहीं आई। ये जब आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, जब ये चीज आप मुझे बताएंगे, फिर हम उन चीजों के ऊपर और फोकस करके उसको और अच्छे और आसान तरीका क्या हम दे सकते हैं ये मैं आपको बता पाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों से बहुत प्यार से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप ये रिस्पॉन्सिव बनिए। आपको किन चीजों में दिक्कत आ रही है ये अगर आप मुझे नहीं बताओगे, देखिए यहाँ पे आपको समझाना ये चीज नहीं है, यहाँ पे हमें वो देखना है कि बच्चा किन चीजों में रिस्पॉन्स करता है, किन चीजों में रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों ये बता रहा हूँ, जब कई डॉक्टर हमें दवाई देता है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें से कोई एक डॉक्टर होता है जो मुझे पसंद आता है, क्योंकि तो उसकी दवाई मेरे पे असर कर गई, मतलब मेरे बॉडी ने उसकी दवाई को रिस्पॉन्ड किया। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के डॉक्टर सही नहीं है, लेकिन कौन डॉक्टर मुझे समझ पाया, मैं उसके पास जाना हमेशा चाहूँगा या चाहूँगी। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लिए अगर 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, सारे बच्चे एक समान हैं, लेकिन बच्चा जब मुझे देखता है तो बच्चा ये जानना चाहता है कि यस मुझे इन्हीं के पास से जानना है, मुझे इनके पास से पढ़ना है, मुझे इनके पास से ही समझना है, क्योंकि ये वो टीचर है जो मुझे समझता है, ये वो शिक्षक है जो मुझ में समझने की कैपेसिटी रखता है। जब हम वो शिक्षा बनेंगे उसके बाद मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको हमसे पढ़ने में दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी। इसलिए आप लोगों को रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। आप जब मेरा रिस्पॉन्स करेंगे तब बच्चा भी आपको रिस्पॉन्स करेगा और ये चीज आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज आती है जब हमारे सामने 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं,
क्या सारे बच्चे एक ही परिवार से आते हैं? नहीं। क्या सारे बच्चे एक ही बैकग्राउंड से आते हैं? नहीं। हर एक का परिवार अलग है, हर एक का परिवार का वातावरण अलग है। हमें बच्चे की कैपेसिटी या बच्चे की स्ट्रेंथ जाननी है, जिसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। हमें बच्चे का कैलिबर समझना है कि वो बच्चा किन चीजों को रिस्पॉन्स करता है। वो बच्चा जिन चीजों में रिस्पॉन्स करता है, जब हम उस चीजों को फोकस करते हैं, तब हम उस चीजों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। क्यों? इसीलिए मैं आपको जो अभी मैं जो पहले जो मैं आपसे बात बताई थी कि जो मुश्किल शब्द है बच्चा उसे उच्चारण करता है, पेंसिल बिस्किट ये चीजें बच्चा उच्चारण कर सकता है, मॉन्स्टर इसका उच्चारण बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि तो उसने मॉन्स्टर होता है वो देखा ही नहीं है। राइट? बच्चा कार्टून देखता है तो बच्चा वो चीजें समझता है। इन चीजों को कहा जाता है इकोलेजिया, इसको कहते हैं इकोलेजिया। इसका स्पेलिंग आप लिख लीजिए ECHOLALIA, ECHOLALIA, इकोलेजिया। इकोलेजिया का मतलब है जो बोलते हैं बच्चा उसी चीज को रिपीट बोलता है। बच्चे में इकोलेजिया की पावर आपको डेवलप करानी है। जब बच्चा ये पावर डेवलप करता है, जैसे अब हम जो बोलेंगे वो बच्चा बोलेगा, जब वो बोलना शुरू करेगा अब उसके बाद हमारी एक्शन और बच्चे का रिस्पॉन्सिवनेस, जब ये रिस्पॉन्स हमारा चालू होगा आपके सक्सेस की पहली स्टेप आप लोगों ने पार कर ली। हाँ, कोई कोई पूछा इसमें अगली स्टेज जो आती है इकोलेजिया की, ये बच्चा वो चीज को समझता है और उसका उच्चारण करता है। क्यों? जब हम बच्चे को पिक्चर दिखाते हैं, बच्चे की मेमोरी उसी के बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया था, बच्चों को पिक्चर दिखाई है, कोई चित्र देखते हुए बात उससे बच्चा बोलेगा कि ये क्या है, ये एलिफेंट है, ये क्रोकोडाइल है, ये लायन है, ये टाइगर है। अब इसमें बच्चा लायन टाइगर ये तो बोल देगा, डॉग भी बोलेगा, क्रोकोडाइल ये नहीं बोल पाएगा। यहाँ पे हमें पैनिक होने की, हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज आती है जिसको अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो बच्चे को एक जगह टिका के रखना है। ये हमारी सबसे पहली पावर है कि बच्चा आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा एक जगह टिक के बैठे। बच्चा आपको रिस्पॉन्स कर रहा है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा, इसका भी मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं। जब बच्चा बोलता है आपसे, उस बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या बच्चा बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पॉटी जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना है, क्या वो बोलता है या नहीं बोलता, कितना रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से उसका बोलने का सिस्टम आती है। ये चीज जब आएगी तब बच्चे में सेटिंग टॉलरेंस मतलब एक जगह बैठे रहने की क्षमता अपने आप उसमें डेवलप होगी, उसमें वो चीज ग्रो करेगी। अब जो उसकी साइकोलॉजी है बच्चे की, उस चीजों में जब हम नोटिस करते हैं तो वो चीज देखनी है कि बच्चा ऑब्जेक्ट इमिटेशन कितनी करता है। मतलब
क्या आप जो करते हो वो बच्चा करता है या नहीं करता? जैसे आप हाथ हिलाते हो, बाय बाय टापा, क्या बच्चा हाथ हिलाता है या नहीं हिलाता? जंपिंग पे बच्चा कितना रिस्पॉन्स करता है? खाना खाने पे इसमें बच्चा कितना रिस्पॉन्स करता है? ये चीज जब आप नोटिस करेंगे, जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तब अपने आप बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस या एक जगह बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके तो लिए यह है कि आप इन चीजों को, इन एक्टिविटीज को जितना इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे या जितने अच्छे तरीके से आप बनाएंगे, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स आपको बच्चों से मिलेगा। अगर हम इन चीजों को बोर तरीके से बनाएंगे, बच्चा अपने आप बोर हो जाएगा और वो खुद रिस्पॉन्स करना धीरे धीरे कम कर देगा, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप जो भी चीज पूछना चाहते हैं, जैसे भी पूछना चाहते हैं, बेझिझक माइक ऑन करके पूछिए। आप ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप अपनी दिक्कत या मुसीबतें जितने अच्छे तरीके से मेरे साथ शेयर करेंगे, उतने अच्छे तरीके से मैं आपको रिस्पॉन्स कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे ये चीज का थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि क्या मैं वो चीज आपको परफेक्टली दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, या रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है। इसका जब तक मुझे फीडबैक नहीं आएगा, तब तक थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में रहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप तो कंफ्यूजन मेरी दूर करें। नाउ अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ सर, एक मतलब ये सी और जो के का साउंड होता है, तो वो जब सिखाते हैं तो उसमें भी हाँ। मतलब बहुत कंफ्यूजन आता है कि सी यूज करना है कि के यूज करना है। हाँ। और एक और चीज है कि जब भी मैं मतलब मेरी बच्ची है तो उसको बी और डी का रहता है, बहुत कंफ्यूजन है उसे। वो बी की जगह डी, डी की जगह बी, लिखती भी है पढ़ती भी है। तो अच्छा। हाँ बस ये दो क्वेश्चन है, सी और के के एंड बी एंड डी के। ठीक है। बी एंड डी का जो लिखने का जो कंफ्यूजन है बच्चे में, वो काफी सारे बच्चे में पाया जाता है। इसका कारण ये है कि बच्चे जिप्ली का देखते हैं। जिप्ली का मतलब जो चीज हम देखते हैं, बच्चा कई बार वो चीज को उल्टा करके देखता है। तो ये चीज कैसे दिख जाती है या क्यों दिख जाती है? पहली बार आपके सी और के की, सी और के के ऊपर, सी और के ही नहीं है इसमें, और ऐसे छह शब्द हैं, इसके बारे में अगले लेक्चर में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन बी और जी के बारे में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे जब वो डॉग देखेगा, जब बी का जो फैमिली, जो जो शब्द हमने अभी देखे हैं वर्ल्ड फैमिली में, जो बी से शुरू होते हैं, ये सिर्फ अगर भी आप उन्हें करने के लिए बोलेंगे, तो अपने आप उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे चेंज हो जाएगी और वो इस चीज़ों को सीखना करेंगी। इसके बावजूद अगर इसमें कोई और आसान मेथड मिल सकती है, तो अगले इसमें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और okay, sure. बिल्कुल। अच्छा, बच्चा जे को समझ में नहीं पा रहा है। जे का शब्द है अपने पास जो, जहाज। क्वेश्चन ठीक है आपका, आसान तरीके से है। जे को समझने का सबसे एक सिस्टम जो हम कर सकते हैं, कि अभी जो वर्ड समिति में जितने भी शब्द हमने जे वाले बताए हैं, इसका उच्चारण करने के लिए बच्चे को बोले जाए। खासतौर से देखिए, वर्ड फैमिली आपको इसलिए दी गई है कि जो जो शब्द उसमें बनते जाते हैं, और अगर हमें लगता है कि बच्चा सी में कंफ्यूज कर रहा है, तो सी के सारे शब्द उससे करवा दो,
के में कंफ्यूज कर रहा है तो के वाले शब्द करवा दो, जे में कंफ्यूज कर रहा है जे वाले शब्द उससे स्पेसिफिकली करवा दो। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा जीपीटीपी सारे बच्चे सेम तरीके में स्टडी नहीं करेंगे, सभी की परेशानियां अलग अलग हो सकती हैं, कुछ समय हमें खास तौर से उस बच्चे को देना पड़ेगा, उतना समय हमें उस बच्चे के साथ बिताना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, लगता है सवाल हो गए और बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं विनोद सिंह सर से अगर वो सुन पा रहे हैं तो आग्रह करूंगा कि एक साथियों की ओर से धन्यवाद भी करें और आज के सेशन को हम लोग फिर कंक्लूड करेंगे। जी विनोद सिंह सर लगता है। जी सर मैं, हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी विनोद जी, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी सर आपका और सारे पार्टिसिपेट साथियों का जिन्होंने आपके ये बताए हुए इसको समझे, और निश्चित तौर पे ये अभी वर्तमान में तो लाभकारी है ही, देश से भी इसका यही है कि आने वाले समय पे जब अपने ज्ञान शाला का हम सफल संचालन करें उसका इस वहां पर इसका भरपूर उपयोग अपन मिलकर करते रहेंगे। और इसी तरीके से आपका और देवाशीष सर जो कि काफी डटे हुए हैं और पूरे इसको वो सफल रूप से संचालन कर रहे हैं, तो उनका और हमारे नए ज्ञान दूत साथी कुछ बिलासपुर कोरबा से जुड़े हैं और पुराने भी नए ज्ञान दूत साथियों का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निश्चित तौर पे आप सभी इसको लेते रहें, सीखते रहें, शनिवार रविवार को जो हो अभी जो प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है वो मोस्टली आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए ही है, तो उसका जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सके इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं देवाशीष सर से आग्रह करता हूँ कि वो आगे समापन की घोषणा करें। तो आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। सचिन सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया और हम सब ने इसका अच्छा लाभ लिया और आगे भी लेंगे, और सचिन सर से आज नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सभी ज्ञान दूत काफी सीरियसली और गंभीरता के साथ इसको अपने दिमाग में ये प्रक्रिया बच्चों को बताने की स्थापित करेंगे। और अभी तो ज्ञानशाला नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हम बच्चों को, बच्चे काफी कुछ उनका छूट गया होगा, उन पे अच्छे काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो संवेदनशीलता के साथ हम उस पे काम भी करेंगे। और साथ ही आपसे निवेदन रहेगा, अपने स्वास्थ्य का सभी लोग ध्यान रखें, किसी को कोई कठिनाई हो, सहयोग हो या कुछ भी हो, हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं और पूरी टीम आपके साथ उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जी